दोस्तों हमारे पास है एक डेल का लैपटॉप है, जिसमें पावर ऑन जैसे ही आप करते हैं एक बीप का साउंड सुनने को मिलेगा। देखिए हमारा सिस्टम ऑन हो गया, कुछ इस तरह का बीप का साउंड सुनने को मिलेगा। ये बीप साउंड लगभग 1 to 5 5 टाइम बीप का साउंड सुनने को मिल रहा है। इस तरह का इशू बेसिकली दोस्तों इसलिए आता है, या तो हमारे रैम सेक्टर में इशू हो या सीमोस बैटरी खराब हो जाता है, तो इस तरह का इशू देखने को मिलता है। तो इसको हम शट डाउन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इशू है। दोस्तों मैं दिखा दूं, ये डेल का जो मॉडल नंबर है P40F मॉडल का है लैपटॉप है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बैटरी को रिमूव करते हैं और इसे खोल लेते हैं। इसके बाद हम इस पैनल को खोलेंगे जहाँ पर हमारा रैम और हार्ड डिस्क इंस्टॉल्ड है। देखिए ये हमारा हार्ड डिस्क हो गया SSD और ये रैम सेक्टर हो गया। यहाँ से हम लोग रैम को रिमूव करते हैं और देखते हैं इसमें कुछ जंक टाइप का इशू तो नहीं है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इस पर जंक देखने को मिल जाएगा। इसको हम लोग पहले इरेजर के हेल्प से रिमूव करते हैं और दोबारा से इंसर्ट करते हैं। इसको अच्छे से रगड़ लेंगे, जब तक रगड़ेंगे कि इसका जो जंक दिख रहा है वो क्लीन ना हो जाए। देखिए काफ़ी अच्छे साफ़ हो गया। इसे दोबारा से इंसर्ट करते हैं और अपने लैपटॉप को ऑन करके देखते हैं कि बीप का साउंड अभी भी आ रहा है या नहीं। देखिए अभी भी बीप का साउंड सुनने को मिल जा रहा है, तो हम लोग इसे शट डाउन करते हैं और दोबारा से इसे दोस्तों इसके सारे स्क्रू को खोल लेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या इशू है इसके मदरबोर्ड से। देखिए ये हमारा इसके ऊपर वाला पैनल होगा, इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सीमोस बैटरी। इस बैटरी को सबसे पहले हम लोग मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि ये कितना चार्ज है या ख़राब हो चुका है। तो इसको एक पॉइंट पॉजिटिव वाला रखते हैं और नीचे ग्राउंड वाला। देखिए अभी यहाँ पर कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है और मतलब ये हमारा सीमोस बैटरी ख़राब हो चुका है। इसको हम लोग बाहर निकाल कर एक बार ट्राई करते हैं कि इसका क्या कंडीशन है। यहाँ पर देखिए कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, मतलब ये 100% ख़राब हो चुका है। हम लोग दूसरे सीमोस बैटरी को यहाँ पर इंसर्ट करने वाले हैं। ये हमारा हो गया सीमोस, इसको यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। अभी इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्टेज के आसपास, मतलब ये 3 वोल्ट
जनरेट कर रहा है। इसको लगाने से पहले अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और फिर दोबारा से इंसर्ट करते हैं। ये हमारा फाइनली लग चुका है। अब चेक करेंगे, देखिए वोल्टेज हमारा प्रॉपर आ रहा है, मतलब ये डन हो गया। इसे एक बार क्लीन कर देते हैं अच्छे से, जितने भी डस्ट पार्टिकल दिख रहे हैं। अब उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आप जैसे मदरबोर्ड को खोले थे वैसे ही आप इसे बंद कर देंगे प्रॉपर वे में। तो दोस्तों हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एक बार ऑन करके देखते हैं कि हमारे लैपटॉप का क्या कंडीशन है। अभी बीप शो कर रहा है, बीप साउंड आ रहा है या बंद हो चुका है। देखिए हमारा ये प्रॉपरली ऑन भी हो चुका है और जो भी साउंड सुनने को मिल रहा था वो बीप साउंड बंद हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।